नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैली सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ऑल हिंदी टिप्स में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल खास है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो में अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो में कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप देखते रहिए। तो एक सवाल ये मेरे से कई बार पूछा गया कि हम किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल को 6.0 मार्शमेलो या लॉलीपॉप में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल को 6.0 मार्शमेलो में बदल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप इस मेथड से अपने एंड्रॉयड मोबाइल को 6.0 मार्शमेलो में बदल सकते हैं, आप इस तरीके से अपने एंड्रॉयड मोबाइल को किसी भी वर्जन में बदल सकते हैं। अगर आपका मोबाइल किटकैट है तो आप लॉलीपॉप में बदल सकते हैं, अगर आपका फ़ोन जेलीबीन है तो आप किटकैट में बदल सकते हैं, अगर आपका फ़ोन लॉलीपॉप है तो आप एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो में बदल सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से मैं बताया है मैंने इस वीडियो में कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल को ये सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल का ही सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें, आप किसी के एंड्रॉयड मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके उससे पैसे कमा सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी है, भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और हर तीसरे आदमी के पास मैंने देखा है कि एंड्रॉयड मोबाइल हो चुका है। तो लेकिन जिसमें काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स में प्रॉब्लम्स रहती हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा काम, अगर आप एक अच्छे काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट है और आपके पास पीसी है तो आप किसी के एंड्रॉयड मोबाइल का भी सॉफ्टवेयर इस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब अपने एंड्रॉयड मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं तो आपको दो तरीके वहाँ पे फॉलो करना पड़ते हैं। एक तरीके के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा, दूसरे तरीके के बारे में शायद आपको नहीं पता है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट आपका आ जाता है जो आपको कंपनी थ्रू अपडेट मिलता है, जो आपका फर्स्ट मेथड है, जिसको आप अबाउट फोन में जाकर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन हर मोबाइल में जो है वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं मिलती है, कुछ टाइम के बाद जो कंपनी है वो कई बार तो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन दे देती है और कई मोबाइल्स में जो वो है सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन नहीं मिलती है कंपनी थ्रू। तो जो आपका दूसरा मेथड आ जाता है वो है कस्टम तरीका, जिससे आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को किसी भी वर्जन में बदल सकते हैं। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेंगे मेरे कुछ स्टेप्स कि किस तरह से हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के जो है कस्टम तरीके से किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल को सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम है कि जो आपका फ़ोन है वो रूटेड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो फ़ोन कैसे रूट किया जाता है तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अपना जैसे आप कैसे सर्च करेंगे हाउ टू रूट, अपने मोबाइल का मॉडल नंबर डाल दीजिए और आपको यकीनन कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी आपके एंड्रॉयड मोबाइल की कि हम किस तरह से इस मोबाइल को रूट कर सकते हैं। तो आप उसको फॉलो करिए और अपने एंड्रॉयड मोबाइल को सिंपली रूट कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहला तो आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो रूटेड होना चाहिए। और दूसरा स्टेप क्या है आपका, जो दूसरा कदम है वो आपका क्या है, जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल की बैटरी है वो 50% से अबव होनी चाहिए। आपका फ़ोन जो है वो कई बार क्या होता है कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे होते हैं, अगर आपकी बैटरी लो होती है और वो कई बार डेड हो जाता है आपका फ़ोन, जिसकी वजह से आपका फ़ोन ब्रिक हो सकता है। तो चलिए अब आपका आ जाता है थर्ड स्टेप। तो अगर आपने पिछले दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं तो मतलब आप मान लीजिए कि जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है वो 50% जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको अब दो स्टेप्स बस और कंप्लीट करने हैं, अपने दो स्टेप्स पिछले कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको दो स्टेप्स और कंप्लीट करने हैं। तो थर्ड स्टेप आपका आ जाता है रिकवरी। व्हाट इज़ रिकवरी, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि रिकवरी क्या होती है और ये किसके काम आती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है रिकवरी। रिकवरी के जरिए एक चाबी है जिसके ज़रिए आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लैश कर सकते हैं इसके ज़रिए। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ये 30 या 40 MB की होती है, जहाँ उससे छोटी भी हो सकती है। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइप्स में होती है, जैसे CWM, TWRP, और भी ज़्यादा इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। मैंने दो टाइप्स का ही मैं यूज़ किया है, CWM एंड TWRP। तो आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर डिवाइस के लिए रिकवरी है वो अलग होती है। जैसे मेरा यूजफोरिया है तो मेरे लिए स्पेशल रिकवरी यूजफोरिया के लिए होगी। अगर आप किसी और मोबाइल की रिकवरी डाउनलोड करते हैं तो आपको आपकी जो रिकवरी है वो आपके मोबाइल में वो है फ्लैश नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका मोबाइल ब्रिक भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल का मॉडल नंबर ज़रूर लगाइए। जैसे आप सर्च करते हैं CWM रिकवरी फॉर यूजफोरिया, मेरा यह है यूजफोरिया। अगर आपका कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है, अगर आपका सैमसंग का है तो आप सैमसंग का मॉडल नंबर भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मॉडल नंबर के हिसाब से ही ये रिकवरी होती है।
तो आप जैसे मैं सर्च करता हूँ CWM रिकवरी फॉर यूजफोरिया, मैं TWRP रिकवरी फॉर यूजफोरिया, आपको ज़रूर कोई ना कोई आपको ब्लॉग्स में आपकी जो एंड्रॉयड मोबाइल के हिसाब से आपकी जो रिकवरी है वो मिल जाएगी और आप उसे सिंपल डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपका फोर्थ स्टेप क्या है? रोम। तो रोम क्या होता है? हम एंड्रॉयड मोबाइल के सॉफ्टवेयर को ही रोम बोलते हैं। तो आप इसे गूगल प्ले में किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर को, जैसे आप सर्च कर सकते हैं गूगल में लॉलीपॉप रोम फॉर माइक्रोमैक्स यूजफोरिया। मेरे पास यूजफोरिया है। अगर आपके पास आपका मोबाइल है तो आप उसका मॉडल नंबर डाल दीजिए और मोबाइल का नाम भी लिख दीजिए, जैसे हम करते हैं लॉलीपॉप रोम फॉर यूजफोरिया या मार्शमेलो रोम फॉर यूजफोरिया। तो आपके सामने जब आप सर्च करते हैं तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स खुल आएंगे। जैसे मैं सर्च करता हूँ मार्शमेलो रोम फॉर यूजफोरिया, जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स खुल आएंगी। तो आप कोई भी आप वेबसाइट से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल का सॉफ्टवेयर को रोम को डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं मार्शमेलो रोम को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इन सभी चीज़ों के बाद आपको ये चार स्टेप पूरे कंप्लीट करने हैं। तो आप जब चार स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ अब आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस समय मेरे हाथ में है यूजफोरिया, जो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके दिखाऊंगा। इसको मैं 6.0 मार्शमेलो में अपग्रेड करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस समय मेरा एंड्रॉयड मोबाइल है वो लॉलीपॉप अपडेटेड है। तो हम किस तरह से इसे एंड्रॉयड 6.0 में बदल सकते हैं? तो आप देख सकते हैं जो मेरा एंड्रॉयड मोबाइल है वो 6.0 है, 5.1.1 है, इस समय लॉलीपॉप है। तो हम किस तरह से इसे एंड्रॉयड 6.0 में बदल सकते हैं, तो ये वीडियो आप देखते रहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दो फाइल्स डाउनलोड करनी है, फर्स्ट रोम और सेकंड रिकवरी। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप गूगल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं रिकवरी को भी और रोम को भी, किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल के मॉडल के हिसाब से। तो मैंने अपने एंड्रॉयड मोबाइल के मॉडल के हिसाब से डाउनलोड कर लिया है। मेरा यूजफोरिया है तो मैंने CM13 साइनर्जियन मोड 13, ये एक रोम है जो काफ़ी बढ़िया रोम्स डेवलप करते हैं, और ये यूजफोरिया की जो रिकवरी है CWM रिकवरी जो मैंने डाउनलोड की है। तो चलिए हम इसे किस तरह से, फर्स्ट आपको रिकवरी फ्लैश करनी है। सबसे पहला स्टेप आपको रिकवरी फ्लैश करनी है। तो किस तरह से आप रिकवरी को फ्लैश कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले में जाना है। तो रिकवरी फ्लैश करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। आप रिकवरी मोड में अपने फ़ोन को लेकर उसे फ्लैश कर सकते हैं। तो आप ये गूगल में सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने मोबाइल में जो रिकवरी है किस तरह से फ्लैश करूँ। तो मैं इसमें एक फ्लैशिफाई सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं जो एंड्रॉयड मोबाइल में अपने यूजफोरिया में रिकवरी फ्लैश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ फ्लैशिफाई फॉर रूट यूज़र्स, आप देख सकते हैं। चलिए मैंने सर्च किया फ्लैशिफाई फॉर रूट यूज़र्स, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये मेरे रिकवरी इंस्टॉल करने के काम आएगा। तो चलिए जो फ्लैशिफाई रूट यूज़र्स है वो इंस्टॉल हो रहा है इस समय। तो इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका रूट चेक करेगा आपका एंड्रॉयड मोबाइल। फर्स्ट स्टेप तो आपका यही था कि जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है वो रूट होना चाहिए। तो मेरा तो फ़ोन रूटेड है, सभी स्टेप्स पूरे हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल रिकवरी इमेज पे क्लिक करना है, आपको रिकवरी फ्लैश करनी है। तो आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने रिकवरी डाउनलोड करनी है तो आप रिकवरी यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपल फ्लैश कर सकते हैं। तो चलिए मैं चूज़ अ फाइल, मैं रिकवरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है। तो चलिए मैं रिकवरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद आपको यप पे क्लिक करना है और इसको सिंपल फ्लैश होने देना है। तो इस समय ये फ्लैश हो रही है, जो आपका फ्लैश है वो कम्प्लीटेड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं फ्लैश कम्प्लीटेड। तो इसके बाद आपको रीबूट नाउ पे क्लिक कर देना है, और रीबूट करने के बाद जो आपका डिवाइस है वो रिकवरी मोड में खुला है। तो अब इसके बाद आपको जो आपका लास्ट स्टेप है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लिप वीडियो में मिस है तो मैंने फिर से इसे रिकवर किया है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि अप्लाई अपडेट में जाने से पहले आप अपने मोबाइल को पाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने तो पहले का कर रखा हुआ है, तो ये मैंने क्लिप फिर से इसमें डाला है वीडियो में। तो अप्लाई अपडेट रोम इंस्टॉल करने से पहले जो अपना एंड्रॉयड मोबाइल का जो डाटा रीसेट कर लीजिएगा। जो आपने रोम डाउनलोड किया है आपको सिंपल उसे फ्लैश करना है। तो उसको फ्लैश कैसे करना है, आपको सिंपल अप्लाई अपडेट पे जाना है। आप वॉल्यूम डाउन के बटन से नीचे जाएंगे और वॉल्यूम अप के बटन से ऊपर जाएंगे। जैसे मैं नीचे को जाता हूँ नीचे, और वॉल्यूम अप के से ऊपर, और पावर के साथ आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम अप्लाई अपडेट पे क्लिक करते हैं, और चूज़ फाइल फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज या चूज़ फ्रॉम SD कार्ड 1। आप एक्सटर्नल SD कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंटरनल SD कार्ड से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इंटरनल SD कार्ड में रोम डाला हुआ है, तो मैं इंटरनल SD कार्ड में ही जाता हूँ। चूज़ फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज,
सॉफ्टवेयर अपडेट फोल्डर में मैंने जो जिप थी वो डाली हुई थी, तो आप सिंपल वहीं से मैं इसे फ्लैश कर देता हूँ। तो चलिए इस समय ये हमारा जो है रोम है वो फ्लैश हो रहा है, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो एंड्रॉयड मोबाइल में जो है वो इंस्टॉल होने जा रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ज़िप फ्लैश होने के बाद आपको उसे सिंपल रिकवरी से ही रिबूट कर देना है। आप सिंपल उसे रिकवरी से ही रिबूट कर दीजिए। तो चलिए मैं रिबूट कर देता हूँ। एंड जो इसके बाद आपका मोबाइल है जो एंड्रॉयड 6.0 में चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फर्स्ट बोटम में आपका मोबाइल है जो वो थोड़ा टाइम लगा सकता है, 15 या 20 मिनट, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए उसको स्टार्ट होने में। और इन सभी चीज़ों के बाद आखिर आपका एंड्रॉयड 6.0 कस्टम रोम आपके एंड्रॉयड मोबाइल में चल पड़ा है। तो आप सेटिंग कर लीजिए, जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह अप्लाई करनी है तो आप सिंपल सेटिंग्स कर लीजिए अप्लाई। तो चलिए मैं सेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सेटिंग करने के बाद जो मेरे एंड्रॉयड मोबाइल यूफोरिया में 6.0 मार्शमेलो का जो कस्टम रोम है वो इस समय चालू हो गया है, चल पड़ा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसमें क्या क्या डिफरेंस है, जो मुझे पहली चीज़ तो काफ़ी बढ़िया लगी है, जो कि डिक्शनरी वाइज आपकी ऐप्स आ जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं, और आपकी नोटिफिकेशन वॉर भी चेंज हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको सेटिंग में बता देता हूँ वर्जन के बारे में, कहीं आप लॉन्चर ना समझ बैठे इसे। तो चलिए, ये रहा मेरा अबाउट फ़ोन, ये एक रोम है, रोम का नाम भी ऊपर आ गया है, सैंडी साइनजियन मोड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एंड्रॉयड वर्जन, ये रहा आपका एंड्रॉयड वर्जन 6.0.1, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जल्दी हम टैप करते हैं तो आपके सामने आ गया माइक मार्शमेलो का जो है वो आइकन आ चुका है। यहाँ पे पहले लॉलीपॉप का होता था, जब ये लॉलीपॉप में था, तो अब मैंने 6.0 में इसे अपडेट कर लिया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को 6.0 या किसी भी वर्ज़न में बदल सकते हैं, अगर आप ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे इन सभी तरीक़ों से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा मोबाइल क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ें।